business studies educator. How's you all? I hope all you are fit and fine. सब बहुत अच्छे होंगे और बोर्ड की प्रिपरेशंस कर रहे होंगे. लास्ट क्लास के अंदर मैंने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था, प्रबंध. प्रबंध की महत्व और प्रकृति के बारे में मैंने आपको समझाया था. आज उससे ही रिलेटेड एक और बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ, समन्वय. समन्वय को इंग्लिश में हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन. और कोऑर्डिनेशन के लिए कहा जाता है कि समन्वय प्रबंध का सार है. तो कोऑर्डिनेशन इज एसेंशियल ऑफ मैनेजमेंट. तो अभी तक के जितने भी वीडियोस थे मैंने उसमें आपको प्रबंध को समझाया कि प्रबंध क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है, प्रबंध के कौन कौन से प्रकार हैं, प्रबंध कितने स्तरों पर कार्य कर रहा है, प्रबंध के कार्य कौन कौन से हैं. तो जब हम प्रबंध को समझ लेते हैं तो प्रबंध से ही संबंधित, उससे ही रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे सामने निकल करके आता है, वो है समन्वय, कोऑर्डिनेशन. तो समन्वय, आज की जो पूरी क्लास है उसमें हम यही पढ़ेंगे कि समन्वय क्या है, समन्वय को हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं और क्यों समन्वय को हम प्रबंध का सार या निष्कर्ष कहते हैं. तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले क्विक रिवीजन, मैं आपको वापस प्रबंध को समझा देती हूँ कि प्रबंध किसे कहते हैं. तो प्रबंध एक ऐसा वातावरण तैयार करने की प्रक्रिया है या एक ऐसा वातावरण बनाने की प्रक्रिया है जिसमें लोग समूह में कार्य करते हुए लक्ष्यों को कुशलता पूर्वक प्राप्त करते हैं. यानी प्रबंध क्या है, प्रबंध के किसे कहा जाएगा, तो प्रबंध से क्या तात्पर्य है. तो प्रबंध से तात्पर्य है कि ऐसे वातावरण को बनाना जिसके अंदर लोग क्या कर रहे हैं, समूह में कार्य करते हुए लक्ष्यों को कुशलता पूर्वक प्राप्त करते हैं. मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य, प्रबंध का मुख्य उद्देश्य ही क्या है, संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करना. और इसके लिए वो ये सुनिश्चित करता है कि प्रबंध में जितने भी व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, किसी व्यवसाय में जितने भी व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, वो सब आपस में इस तरीके से कार्य करें कि सरलता पूर्वक हम संस्था के लक्ष्यों को क्या कर सकें, प्राप्त कर सकें. प्रबंध की एक और परिभाषा हमने पढ़ी थी कि प्रबंध परिवर्तनशील वातावरण में या परिवर्तनशील पर्यावरण में सीमित संसाधनों का कुशलता पूर्वक उपयोग करता है. प्रबंध क्या सुनिश्चित करता है कि हम जो परिवर्तनशील पर्यावरण है, जो हमारे आसपास का पर्यावरण है, वो कैसा है, परिवर्तनशील है. तो उसके रहते हुए हम हमारे सीमित संसाधनों का इस प्रकार से उपयोग करें, इतनी कुशलता से उपयोग करें कि जो संगठन के लक्ष्य हैं, जो संगठन के उद्देश्य हैं, उनको हम प्रभावी ढंग से प्राप्त कर सकें. और इसके लिए वो दूसरों के साथ मिलकर और उनके माध्यम से कार्य करने की एक प्रक्रिया है. इसका मतलब प्रबंध एक प्रक्रिया है जो क्या सुनिश्चित करती है, प्रबंध वह प्रक्रिया है जो संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए या संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु दूसरों के साथ मिलकर और उनके माध्यम से कार्य करती है. इसका मतलब ना तो प्रबंध कोई व्यक्ति है, ना कोई संपत्ति है. प्रबंध को हम देख या छू नहीं सकते. प्रबंध और प्रबंधक, मैनेज और मैनेजमेंट दोनों अलग अलग शब्द है कि मैनेजर वो व्यक्ति है जो प्रबंध करता है. तो प्रबंध को हम सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, प्रबंध को हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, अनुभव किया जाएगा, उसको हम देख या छू नहीं सकते हैं. तो प्रबंध की इस परिभाषा को पढ़ने के बाद में मैंने आपको एक और परिभाषा इसकी समझाई थी. किसके आधार पर, इसके पांच कार्यों के आधार पर. कौन से पांच कार्य हमने प्रबंध के पढ़े थे, तो हमने प्रबंध के पांच कार्य पढ़े थे, नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण और
संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। प्रबंध कौन सी प्रक्रिया थी? प्रबंध वह प्रक्रिया है जिसमें हम नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियुक्तिकरण और नियंत्रण के माध्यम से संगठन के उद्देश्यों को प्रभावी रूप से प्राप्त कर सकते हैं। तो जब हमने प्रबंध को समझा, प्रबंध के ही 5 कार्यों को समझा, अब हमारे पास एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आया निकल करके, वो क्या था? समन्वय, कोऑर्डिनेशन। और ये कहा गया कि जो समन्वय है वो प्रबंध का सार है या निष्कर्ष है। द कोऑर्डिनेशन इज द एसेंशियल ऑफ मैनेजमेंट। अब ये प्रबंध का सार क्यों है, क्यों हम इसको प्रबंध का सार कहते हैं, ये हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। बट उससे भी पहले एक और चीज हमारे लिए बहुत जरूरी है, वो ये समझना कि समन्वय क्या है, यानी हम कोऑर्डिनेशन किसको कहते हैं। सबसे पहला जो शब्द हमारे सामने आ रहा है वो शब्द क्या है? समन्वय। तो समन्वय के अर्थ को समझ लेना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा क्या हो जाता है? जरूरी हो जाता है। तो समन्वय क्या है? समन्वय वह शक्ति है जो प्रबंध के अन्य सभी कार्यों को एक दूसरे से बांधती है। यहाँ एक ऐसा धागा है जो संगठन के कार्यों में निरंतरता बनाए रखने के लिए क्रय, उत्पादन, विक्रय, वित्त जैसे सभी कार्यों को पिरोए रखता है। समन्वय को कभी भी प्रबंध का एक अलग से कार्य माना जाता है, लेकिन यह प्रबंध का सार है। क्यों? क्योंकि सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत प्रयत्नों में एकता लाना अति आवश्यक है। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है? कोऑर्डिनेशन वो शक्ति है जो प्रबंध के सभी कार्यों को आपस में बांधती है, या वो धागा है जो संगठन में क्या बना के रखता है? निरंतरता बनाए रखने के लिए, जैसे कि क्रय, उत्पादन, विक्रय और वित्त, इन सभी कार्यों को एक धागे में पिरोए रखता है। प्रबंध के 5 कार्यों में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, यानी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, ये सभी अलग अलग व्यक्ति करते हैं। प्लान करने वाला अलग व्यक्ति हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन अलग होगा, डायरेक्ट हो सकता है कोई और व्यक्ति कर रहा हो। तो अगर ये सब आपस में संगठित नहीं होंगे, अगर इन सब को आपस में एक दूसरे की बातें समझ में नहीं आएंगी कि हम प्लानिंग किस उद्देश्य से कर रहे हैं और हमारा डायरेक्ट करने का यानी निर्देश देने का उद्देश्य अलग अलग है, तो कार्यों में समन्वय स्थापित अगर नहीं किया तो आपका बिजनेस, आपका मैनेजमेंट अपने आप ही असफल हो जाएगा। क्योंकि एक व्यवसाय में बहुत सारे लोग कार्य करते हैं और उन सभी लोगों का आपस में समन्वित होना या कोऑर्डिनेट होना अत्यधिक आवश्यक है। तो समन्वय क्या है? वो शक्ति है जो लोगों को आपस में बांध कर रखती है, ताकि वो एक दूसरे के कार्यों को समझें और मिलजुल करके क्या करें? कार्यों को करें। कई बार समन्वय को प्रबंध का एक कार्य माना गया है। क्या माना गया? एक कार्य, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टिंग या कंट्रोलिंग प्रबंध के कार्य हैं। नियोजन, संगठन, निर्देशन या नियंत्रण प्रबंध के कार्य हैं। उसी प्रकार से समन्वय को भी क्या माना गया है? प्रबंध का एक कार्य माना गया है, लेकिन ये प्रबंध का कार्य नहीं होकर के इसका निष्कर्ष है। क्योंकि सामूहिक लक्ष्यों को तभी प्राप्त किया जाएगा जब व्यक्तिगत प्रयत्नों में एकता होगी, यानी जब सारे डिपार्टमेंट मिलकर ये चाहेंगे कि किसी संगठन को अधिकतम लाभ हो, मैक्सिमम प्रॉफिट प्राप्त करे, तभी संस्था मैक्सिमम प्रॉफिट प्राप्त कर सकती है। अगर वित्त डिपार्टमेंट तो चाह रहा है कि संस्था को मैक्सिमम प्रॉफिट हो, पर मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के लोग बाग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो हड़ताल पे जाकर बैठे हुए हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं, तो क्या संस्था लाभ प्राप्त कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए जरूरी क्या हो जाता है? ऐसी स्थिति में ये जरूरी हो जाता है कि जब तक व्यक्तिगत प्रयत्नों में एकता नहीं होगी, यानी जब तक
एक संगठन के सभी व्यक्ति एकत्रित या संगठित नहीं हो जाएंगे तब तक हम सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसके बाद समन्वय की अगर प्रकृति की बात करें कि समन्वय की क्या प्रकृति है, समन्वय कैसे कार्य करता है, तो समन्वय को सामूहिक कार्यों में एकात्मकता लाता है। ये क्या करता है, जो सामूहिक कार्य है उसमें एकात्मकता का मतलब एकता लाता है, उनको संगठित करता है। दूसरा, समन्वय के कार्यवाही में एकता लाता है। पहला तो कार्यों में एकता लाता है, दूसरा कार्यवाही में एकता लाता है, तीसरा समन्वय एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यानी आप एक बार कोऑर्डिनेशन करके नहीं छोड़ सकते हैं, आपको हर बार जितनी बार हम प्रबंध करेंगे, प्रबंध की जितनी गतिविधियां हैं, आपको हर दिन उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन यानी कि समन्वय करना होगा। समन्वय सर्वव्यापी है, समन्वय सभी प्रबंधकों का उत्तरदायित्व है, समन्वय कोई एक प्रबंधक नहीं करेगा। और समन्वय क्या है, सोचा समझा हुआ कार्य है। तो समन्वय की प्रकृति को जरा विस्तार में समझते हैं ताकि हमें समन्वय को समझने में और आसानी हो। तो समन्वय की प्रकृति को सबसे पहले, समन्वय की प्रकृति क्या है, सबसे पहली समन्वय की प्रकृति है समन्वय सामूहिक कार्यों में एकात्मकता लाता है, यानी कि उनको एक साथ संगठित करता है। ये कैसे संगठित करता है, तो समन्वय ऐसे हितों को, कौन से ऐसे हितों को, आपसे कहा गया कि समन्वय ऐसे हितों को जो एक दूसरे से संबंधित नहीं है या एक दूसरे से भिन्न है, के उद्देश्यों को पूर्ण रूप से गतिविधि में एकता लाता है या सामूहिक कार्यों को एक केंद्र बिंदु प्रदान करता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि निष्पादन योजना एवं निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार हो। इसके एक एक शब्द को जरा ढंग से पढ़िए। सबसे पहला क्या लिखा, समन्वय कहाँ होगा, जो एक दूसरे से संबंधित नहीं है, यानी कि ऐसे हित जो एक दूसरे से संबंधित नहीं है या पूर्ण रूप से क्या है, भिन्न है। कैसे, आप देखिए, फाइनेंस यानी कि वित्त क्या करना चाहेगा, कम से कम खर्चा, लो एक्सपेंसेस। फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या चाहता है, लो एक्सपेंसेस, कि हम जितना हो सके उतना वित्त कम खर्च कर सके ताकि व्यवसाय में फंड्स बने रहे। जबकि उत्पादन विभाग, मैन्युफैक्चर क्या कहेगा, जो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है तो खर्चे ही करेगा, वो कहेगा परचेज करना है, माल बनाना है, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, कैश की रिक्वायरमेंट है। तो वो हर बार किसके पास जाएगा, फाइनेंस वाले के पास में, कि मुझे फंड्स दो। ये हर बार फाइनेंस वाले के पास में जाकर के कैश मांगेगा। फाइनेंस वाला कई बार क्या कहेगा, अभी तो पैसे दिए थे, खर्च हो गए और नहीं मिलेंगे, हमारे पास इतना ही बजट है। तो इनके कार्यों में इनके उद्देश्य क्या, देखो बिल्कुल विपरीत है। फाइनेंस कम से कम खर्चा करना चाहता है, जबकि मैन्युफैक्चरर तो खर्चा करेगा ही करेगा, जो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है। क्यों, वर्कर्स है, उनको पेमेंट करना है, स्टॉक परचेस करना है, मशीन्स परचेस करनी है, सबके लिए कैश की रिक्वायरमेंट है, और ये कह रहा है खर्चे कम करो। तो ऐसे में हम कार्यों को कैसे करें, क्योंकि दोनों लोग तो अलग अलग बातों को कह रहे हैं और दोनों लोग अपनी अपनी जगहों पर सही भी हैं। कि अगर हम अत्यधिक खर्चा करेंगे तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा, और अगर हम खर्चा यानी कि एक्सपेंसेस नहीं करेंगे तो हम काम कैसे करेंगे। तो इन दोनों व्यक्तियों के बीच में समन्वय करना यानी कि कोऑर्डिनेशन स्थापित करना बहुत जरूरी हो जाता है, और ये भी सुनिश्चित करना ताकि कि जो निष्पादन योजना है और जो निर्धारित कार्यक्रम है, कार्य उसी के अनुसार हो। तो ऐसे टाइम पे समन्वय का मतलब, अगर आपने निष्पादन योजना या निर्धारित योजना यानी प्लानिंग के टाइम पे
डिसाइड किया था कि जो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है उसको हम 5000 रुपीस देंगे। फाइनेंस वाले को ये 5000 रुपीस तो इनको देने ही पड़ेंगे। और उत्पादन वाले को क्या ध्यान रखना है, मैन्युफैक्चरर को ये ध्यान रखना है कि उसको उसका सारा काम इन 5000 रुपीस में ही करना है। अपने आप कोऑर्डिनेशन हो गया कि आपके पास बजट ही इतना है, अब आप कार्य करो और आपका जितना बजट है उतना आपको फाइनेंस डिपार्टमेंट जरूर देगा। तो समन्वय इसीलिए क्या है, सामूहिक कार्य है और ऐसे कार्य जो एक दूसरे से संबंधित नहीं है उनपे ही एकता लेकर आने का कार्य करता है, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि निष्पादन योजना निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार की जाए। तो पहली प्रकृति समझ में आई इसकी कि समन्वय क्या सुनिश्चित करता है, सामूहिक कार्यों में एकता लाने का। जिस तरीके से कार्य होते हैं उसी के समान कार्यवाहियां यानी कि प्रोसेस भी होता है, कि पहला तो ये डिसाइड किया कौन कौन से कार्य करने, दूसरा उन कार्यों को कैसे करना है। कार्यवाही का मतलब होता है प्रोसेस, कि इस कार्य को हमें इस प्रकार से करना है। तो समन्वय का उद्देश्य समान उद्देश्यों को प्राप्त करने की कार्यवाही में एकता लाना है। समन्वय का क्या उद्देश्य है, समान उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो कार्यवाहियां हैं यानी जो प्रोसेस है उनमें भी एकता लाना है। यहां विभिन्न विभागों को जोड़ने की शक्ति का कार्य करता है। इसके थ्रू सारे मतलब कोऑर्डिनेशन क्या करता है, जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनको आपस में कोऑर्डिनेट करता है, ये सुनिश्चित करता है कि सभी क्रियाएं जितनी भी एक्टिविटीज हम कर रहे हैं वो संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए की जाए। जैसे नामची डिनार कैंडल के उत्पादन एवं विक्रय के अपने कार्यों को समन्वय करना होता है जिससे कि बाजार में मांग के अनुसार उत्पादन किया जाए। जैसे कोई नामची कैंडल उत्पादन की कंपनी है, वो क्या सुनिश्चित करेगी कि वो उत्पादन और विक्रय विभागों में अपने कार्यों का समन्वय करेगी ताकि बाजार में मांग और पूर्ति का संतुलन किया जा सके। कैसा समन्वय, इसने दो विभाग आपके सामने लिखे, कौन कौन से हैं देखो, उत्पादन और विक्रय। अगर ये उत्पादन कर देता है 1,00,000 इकाइयों का, कितने यूनिट का कर रहा है, 1,00,000 इकाइयों का, जबकि विक्रय यानी कि बाजार में मांग सिर्फ 50,000 इकाइयों की होती, तो व्यवसाय को क्या हो रहा है, लॉस। हमने इकाइयां बनाई तो ज्यादा जबकि बिकी कम। अगर आप उल्टा कर देते हैं कि उत्पादन आपने सिर्फ 50,000 इकाइयों का किया जबकि विक्रय के लिए मांग कितने की थी, 1,00,000 यूनिट्स की, तो भी लॉस है। पता है जब विक्रय डिपार्टमेंट आपसे कह रहा है 1,00,000 यूनिट्स को बनाइए तब भी आप कितने बना रहे हो, 50,000, तो भी लॉस हो जाएगा। तो इन दोनों के कार्यों में समन्वय लाना कि बाजार की मांग के अनुसार उत्पादन किया जाए ताकि लाभों को क्या हो, अधिकतम किया जा सके। यानी अगर विक्रय वाले ने कहा 1,00,000 तो हम भी बना कितने रहे हैं, 1,00,000। अगर ये कह रहा है 50 तो हम भी बनाए कितने, 50,000। तो ये कंप्लीटली डिपेंड है कोऑर्डिनेशन, कि जितनी मार्केट में डिमांड हो हम उतनी ही सप्लाई करें। तो उसके लिए उत्पादन और विक्रय दोनों विभागों में क्या होना आवश्यक है, दोनों ही विभागों में समन्वय आना आवश्यक है। तो ये तो हमने कोई दो डिपार्टमेंट लिए, व्यवसाय के हर विभाग का अन्य विभागों के साथ समन्वय या कोऑर्डिनेशन होना अति आवश्यक होता है, जिसके माध्यम से हम ये सुनिश्चित करते हैं कि कार्यवाहियों में क्या आए, सरलता आए, एकता आए और हम संस्था के लक्ष्यों को सरलता पूर्वक प्राप्त कर सके। जिस तरह से समन्वय में कार्यवाहियों में एकता लाता है, ठीक उसी प्रकार से समन्वय की एक और प्रकृति है कि समन्वय एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यानी समन्वय आप किसी भी कार्य को प्रारंभ में
एक बार आपने बता दिया कि इतना उत्पादन करना है, इतना विक्रय करना है और वो कार्य खत्म हो गया। नहीं, जिस प्रकार व्यवसाय निरंतर चलता रहता है, प्रबंध निरंतर चलता है, ठीक उसी प्रकार समन्वय को भी निरंतर करना पड़ता है। समन्वय कोई कार्य नहीं होकर के एक प्रक्रिया है। इट्स नॉट अ वर्क, इट इज अ प्रोसेस। एक कार्य नहीं जो एक बार करके छोड़ दिया, ये तो वो प्रक्रिया है जो हर बार प्रबंध के साथ चलती रहेगी। नियोजन से प्रारंभ होगी, नियंत्रण पे समाप्त होगी और पुनः नियोजन के लिए प्रारंभ हो जाएगी। जैसे स्मिता दिवाली के समय वस्त्रों के संबंध में जून के महीने से योजना बना लेती है। देखो कितना अच्छा उदाहरण उसने लिखा है कि कोई उत्पादक है स्मिता जो दिवाली में कुछ सामानों को बेचना चाहती है, तो वो उसके लिए कपड़े कब बनाएगी? जून में बनाएगी, क्योंकि अगर वो दिवाली के समय बनाएगी तो बेचेगी कब? इसी प्रकार से यदि उसे होली पे कुछ सामान बनाना है तो वो नवंबर में उसे बनाना क्या कर देगी? प्रारंभ कर देगी, ताकि होली तक वो सामान, वो कार्य बनकर तैयार हो जाए। इसीलिए हम कहते हैं कि समन्वय एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो कहाँ से स्टार्ट होती है? नियोजन से प्रारंभ होती है, फिर संगठन, निर्देशन, नियंत्रण और पुनः नियोजन, इन पूरे सर्कल में इनके समान ही चलती रहती है। वो क्या है? समन्वय। कि हम भविष्य में क्या करना चाहते हैं उससे संबंधित निर्णय हम आज ही ले लें, ताकि हमें भविष्य में उससे संबंधित कोई हानि नहीं हो सके। अगर आप सर्दियों में गर्म कपड़े पहनना चाहते हो तो जो गर्म कपड़े सर्दियों में बनाते हैं वो उनका निर्माण कब कर देते हैं? गर्मियों में, ताकि सर्दियों में हम उनका विक्रय कर सकें। अगर सर्दी आने के टाइम पे एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जैकेट स्वेटर्स बनाएगी तो वो बेचेगी कब? आपका कोऑर्डिनेशन फेल हो गया वहां पर। क्यों? क्योंकि माल को बनने से लेके बाजार तक पहुंचने में बहुत लंबा समय लगता है, और उस समय में हो सकता है आपके सर्दियों का पूरा मौसम ही निकल जाए और आपने जो उत्पादन किया था वो माल बिकेगा ही नहीं। बहुत जरूरी होता है कार्यों के बीच में समन्वय लेकर के आना, हम कार्यों को किस तरीके से कोऑर्डिनेट करें। और इस तरीके के हर एक कार्य में कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता होती है। प्रत्येक उत्पादनकर्ता ये चाहता है कि उसके उत्पादन का कार्य निरंतर चलता रहे, उसमें किसी भी तरीके की कोई रोक नहीं हो, तो इसके लिए भी वो कार्यों को इस प्रकार से समन्वित करता है कि कच्चा माल की आपूर्ति प्रतिदिन होती रहे। इसके लिए वो कच्चे माल को किस तरीके से क्रय करे, तो आप हमेशा याद रखेंगे कि समन्वय क्या है? एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये कार्य नहीं है। इस लाइन को आपको बहुत अच्छे से मार्क करके रखना है कि समन्वय कोई कार्य नहीं हो करके निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है जो कहां से प्रारंभ होती है, जो नियोजन से प्रारंभ होती है और निरंतर तक, कहां तक? नियंत्रण तक चलती रहती है। इसके पश्चात समन्वय सर्वव्यापी है। जिस तरीके से प्रबंध सर्वव्यापी था कि हम किसी भी गतिविधि का, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो धार्मिक हो, हम उसका प्रबंध कर सकते हैं क्योंकि सब जगह प्रबंध मौजूद है, उसी प्रकार से समन्वय भी एक सर्वव्यापी कार्य है। यानी आप किसी भी विभाग में किसी भी कार्य का प्रबंध कर सकते हो तो उसका आप समन्वय भी कर सकते हो। विभिन्न विभागों की कार्य, विभिन्न विभागों की जो क्रियाएं हैं वो प्रकृति से एक दूसरे से पूर्णतः निर्भर करती हैं, इसलिए समन्वय की आवश्यकता प्रबंध के सभी स्तरों पर होती है। यह विभिन्न विभागों एवं विभिन्न स्तरों पर कार्यों में एकता स्थापित करता है,
संगठन के उद्देश्यों को विरोध आ सके प्राप्त करने के लिए स्मिता को क्रय एवं उत्पादन विभाग के कार्यों में समन्वय भी करना पड़ता है। देखो फिर स्मिता आई है और फिर एक ही बात आई है कि संगठन के उद्देश्यों में कहीं विरोध आ सकता है या प्राप्त करने के लिए कि संगठन के उद्देश्य बने सके और इसके लिए स्मिता क्या कार्य करती है, उत्पादन एवं विक्रय विभागों के कार्यों में समन्वय लेकर आती है। कि सर्वव्यापी कार्य का मतलब क्या हुआ कि हर एक डिपार्टमेंट, हर एक विभाग एक दूसरे पर पूर्ण रूप से निर्भर रहता है। वो ये चाहता है कि सभी कार्य एक दूसरे से किए जाएं। इसीलिए सभी विभागों में समन्वय की जो गतिविधि है वो पूर्ण रूप से समान प्रकार से संचालित की जाती है। तो समन्वय किस कार्य के लिए, किस चीज के लिए आपसे कह रहा है? समन्वय को सर्वव्यापी क्यों कहा गया? क्योंकि सारे जो डिपार्टमेंट है वो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। कैसे निर्भर करते हैं आपको पता है? अगर हम सबसे पहले डिपार्टमेंट है रॉ मटेरियल, कोई भी कार्य स्टार्ट होता है वो कच्चे माल को क्रय करने से स्टार्ट होता है। तो मैंने एक ही गतिविधि आपको समझाई, रॉ मटेरियल। आपने इसको क्या किया, परचेज किया और परचेज करने के बाद में ये कहाँ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में। और इसका जो पेमेंट है वो कौन करेगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट। मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट से जो उत्पाद निकलेगा वो कहाँ जाएगा, सेल्स डिपार्टमेंट में। तो आप देखिए ये सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट सही समय पर पेमेंट नहीं करता है तो आपको नेक्स्ट टाइम माल नहीं मिलेगा, आपका उत्पादन नहीं होगा और आप विक्रय भी नहीं कर पाएंगे। सिर्फ किसकी गलती से, वित्त विभाग यानी कि फाइनेंस डिपार्टमेंट की गलती से। तो ये सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे पे निर्भर करते हैं। सपोज दैट अगर मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता है तो सेल्स नहीं हो पाएगी और अगली बार आपको रॉ मटेरियल खरीदने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी क्योंकि पुराना वाला माल तो अभी तक बिका ही नहीं है। और जैसे ही कम सेल्स होगी तो फाइनेंस की भी शॉर्टेज होगी तो नेक्स्ट टाइम हम माल परचेज नहीं कर पाएंगे। तो समन्वय एक सर्वव्यापी कार्य है जो सभी डिपार्टमेंट्स में किया जाना जरूरी है ताकि हम विभिन्न विभागों के विभिन्न स्तरों पर एकता स्थापित कर सके, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन स्थापित कर सके कि जो रॉ मटेरियल परचेज किया है वो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में टाइम से पहुंचे और टाइम से फाइनेंस डिपार्टमेंट उसका पेमेंट करे, जो उत्पादन हुआ है उसका सही समय पर विक्रय किया जा सके, इसके लिए कोऑर्डिनेशन जरूरी है। तो संगठन के उद्देश्यों में विरोध नहीं आया और उनको प्राप्त करने के लिए क्रय, उत्पादन एवं विक्रय तीनों विभागों में समन्वय करेगी स्मिता। स्मिता क्या करेगी, स्मिता अगर सही समय पर मार्केट में जाकर कुछ चीजों को विक्रय करना चाहती है तो क्रय यानी कि परचेज डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट, इन तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन को स्टैब्लिश करने का कार्य करेगी। तो जिस प्रकार से प्रबंध सर्वव्यापी कार्य है उसी प्रकार से प्रबंध सभी प्रबंधकों का उत्तरदायित्व है, यानी कि जो प्रबंध करना है वो किसी एक प्रबंधक का दायित्व नहीं हो करके सभी का कार्य है। समन्वय सभी प्रबंधकों का उत्तरदायित्व है। क्यों? किसी भी संगठन में समन्वय प्रत्येक प्रबंधक का कार्य है। जैसे उच्च स्तर के प्रबंधक यह सुनिश्चित करने के लिए कि संगठन की नीतियों का क्रियान्वयन हो अपने अधीनस्थों के साथ समन्वय करते हैं, यानी कि जो अपर लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, कौन सा लेवल, टॉप लेवल, वो किससे कनेक्ट करेगा,
मिडिल लेवल से पूछेगा कि मैंने जो पॉलिसीज बनाई थी उस पर कितना काम हुआ है, आपने कौन कौन से वर्कर्स को हायर किया है, आपने कौन कौन से नए डिपार्टमेंट्स बनाए हैं इन पॉलिसीज और रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए। जबकि मध्यम स्तर के जो प्रबंधक हैं वो उच्च स्तर के प्रबंधकों और प्रथम पंक्ति के प्रबंधकों दोनों के साथ समन्वय करते हैं। ये हमें पता है, जब हमने मध्य स्तर के प्रबंधकों के बारे में पढ़ा था तो हमने ये भी पढ़ा था कि जो मिडिल लेवल या मध्य स्तर के प्रबंधक हैं वो टॉप लेवल और लोअर लेवल इन दोनों के मिड में कार्य करते हैं, इन दोनों के मध्य में एक कड़ी का कार्य करते हैं। तो इनका उत्तरदायित्व भी क्या होता है? इनका उत्तरदायित्व भी होता है ये सुनिश्चित करना कि टॉप लेवल का जो नीतियां हैं उनका पालन किया जा रहा है और लोअर लेवल पॉलिसियों के अनुसार कार्य कर रहा है। कि पॉलिसी बनाई किसने? टॉप लेवल ने। उस पर काम किसको करना है? लोअर लेवल को। तो ये दोनों चीजें पूरा करने के लिए दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना तो जरूरी है। पता चला लोअर लेवल काम तो कर रहा है लेकिन टॉप लेवल की मैनेजमेंट की पॉलिसी पूरी नहीं हो रही है, तो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन में तो लाना जरूरी है। तो मिडिल लेवल इन दोनों के बीच की कड़ी होता है, तो वो इन दोनों के मध्य समन्वय को स्थापित करता है। तो समन्वय किसी भी व्यवसाय के लिए अत्यधिक आवश्यक हो जाता है और समन्वय करना किसी एक स्तर के प्रबंधक की जिम्मेदारी नहीं है। कि आप ये कह दें कि समन्वय किसी एक स्तर के प्रबंधक के द्वारा किया जाता है तो नहीं, समन्वय तीनों स्तर के प्रबंधकों द्वारा किया जाता है। जो उच्च स्तर के प्रबंधक है वो ये सुनिश्चित करते हैं कि मिडिल लेवल ने कार्य ढंग से किया है या नहीं। मिडिल लेवल ये चेक करता है कि टॉप लेवल की पॉलिसीज और लोअर लेवल दोनों के साथ समन्वय करना कि लोअर लेवल कार्य कर रहा है या नहीं, और जो कार्य वो कर चुका है उसके लिए टॉप लेवल को सूचित करना। लोअर लेवल ये देखता है कि जो पॉलिसीज उसके पास में आई थी, सुपरवाइजर्स क्या चेक करते हैं कि वर्कर्स उसके अकॉर्डिंग कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कैसे? सपोज दैट एक पॉलिसी बनाई गई कि वर्कर 9 to 5 वर्क करेंगे, क्या टाइम रहेगा 9 to 5 का, तो जो फॉरमैन है सबसे लोअर लेवल का या जो सुपरवाइजर वो क्या चेक करेगा, वर्कर 9 o'clock आ भी रहा है या नहीं, क्या वो 5 o'clock से कहीं पहले तो नहीं चला गया, ये चेक करना किसका काम होगा? फॉरमैन का काम होगा। और फिर इसकी इंफॉर्मेशन किसको देगा? सपोज दैट कहा कि एक वर्कर साहब आता 10 बजे है और 4 बजे तो वो चला जाता है, यानी कि वो पॉलिसी को फॉलो नहीं कर रहा है, तो फॉरमैन इसकी इंफॉर्मेशन किसको देगा? मैन्युफैक्चरिंग मैनेजर को। मैन्युफैक्चरिंग मैनेजर किसको सूचित करेगा? फिर टॉप लेवल मैनेजमेंट, और वो लोग फिर ये डिसाइड करेंगे कि हमें इस वर्कर को पनिशमेंट देनी है, इसको जॉब से निकाल देना है या इसकी सैलरी कट करनी है। तो देखो कोऑर्डिनेशन हुआ ना, इसने इसको इंफॉर्मेशन दी प्रॉपरली, यहां से इंफॉर्मेशन अप में गई, फिर वापस से एक डिसीजन आया। अगर ये कोऑर्डिनेशन नहीं होता तो वो वर्कर अपने अकॉर्डिंग कार्य करता रहता। तो इसीलिए समन्वय तीनों प्रबंधकों के द्वारा तीनों स्तरों पर किया जाता है। अब समन्वय सोचा समझा कार्य है, जो कोऑर्डिनेशन है वो क्या है? सोचा समझा हुआ कार्य है, यानी कि आप अपनी मन मर्जी से कोई कार्य करेंगे और कहेंगे कि वो कोऑर्डिनेशन है तो नहीं। सभी व्यक्तियों के बीच में मिलजुल कर कार्य करवाना, उनके बीच में समन्वय स्थापित करने के लिए बहुत ही सोच समझकर निर्णय लेने पड़ते हैं। तो विभिन्न लोगों को कार्यों का ध्यान पूर्वक एवं सोच समझकर समन्वय करना होता है। किसी भी विभाग में जो सदस्य है वो स्व इच्छा से एक दूसरे से सहयोग करते हुए कार्य करते हैं।
समन्वय की सहयोग की भावना को दिशा निर्देश देता है। समन्वय यदि नहीं होगा तो सहयोग भी निरर्थक सिद्ध हो जाएगा। बिना सहयोग के समन्वय कर्मचारियों में असंतोष की भावना जन्म देता है। बहुत सही बात है कि अगर हम एक डिपार्टमेंट में 50 लोग भी आपस में कार्य कर रहे हैं, कितने लोग, 50 वर्कर्स, तो ये 50 वर्कर्स आपस में मिलजुल कर सहयोग की भावना से कार्य कर रहे हैं। यदि ये 50 वर्कर्स आपस में लड़ाई झगड़ा करेंगे ना, तो आप इनके बीच में कभी कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश नहीं कर पाओगे। कोऑर्डिनेशन वहीं स्टैब्लिश होगा जहां ये एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहते हैं कि अगर किसी वर्कर ने कहा सर आज मुझे हाफ डे की लीव चाहिए, मैं आधे दिन की छुट्टी पर जाना चाहता हूं, अगर 50 में से एक छुट्टी पर जा रहा है तो 49 ने कह दिया साहब मैं भी जाऊंगा, तो क्या सहयोग होगा? उस दिन काम ही नहीं होगा, जबकि उसका जाना जरूरी था। और यदि लोग इस बात को समझते हैं कि हाँ आप इसको छुट्टी दे दीजिए हम लोग कार्य करेंगे, तो सहयोग की भावना जन्म लेती। तो कोऑर्डिनेशन वहीं पर होगा जहां पर आपस में सहयोग की भावना जन्म देती है। यदि किसी कार्यों में हम सहयोग स्थापित नहीं कर पाते हैं तो वहां पर हम कभी भी समन्वय को स्थापित नहीं कर पाएंगे। अब समन्वय की प्रकृति को समझने के बाद में हम ये 100% कह सकते हैं कि समन्वय प्रबंध का कार्य नहीं होकर के उसका सार है। यानी कोई भी प्रबंध तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकता जब तक प्रबंध के सभी कार्यों में समन्वय नहीं हो। तो समन्वय प्रबंध का कार्य नहीं हो करके उसका सार या निष्कर्ष है, यानी कि बिना प्रबंध के समन्वय स्थापित नहीं किया जा सकता और ना ही बिना समन्वय के हम प्रबंध को संचालित कर सकते हैं। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के साथ चलते हैं। समन्वय नियोजन से प्रारंभ होकर नियंत्रण तक प्रबंध के साथ चलता है। ये सभी विभागों में सभी स्तरों पर आवश्यक है, ये सर्वव्यापी है, इसीलिए ये प्रबंध का निष्कर्ष या सार है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। कई बार बोर्ड में ये पूछा गया है कि समन्वय प्रबंध का सार है, समझाइए। तो हमने समन्वय की प्रकृति को पढ़ा और प्रकृति के बाद में हम ये निष्कर्ष से कह सकते हैं कि जो समन्वय है वो प्रबंध का क्या है, सार है। अब जब हमने समन्वय की प्रकृति को समझ लिया, समन्वय के अर्थ को समझ लिया, तो अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि मैम समन्वय का क्या कुछ महत्व भी है हमारे जीवन में या व्यवसाय में? तो समन्वय का बहुत महत्व है। समन्वय के महत्व को पढ़ते हैं अब हम। तो समन्वय का सबसे बड़ा महत्व है संगठन के आकार के लिए, कि संगठन का आकार जितना बड़ा होगा, जितने अधिक लोगों की संख्या उसके अंदर होगी, समन्वय की समस्या उतनी ही जटिल बनी रहेगी, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में विशिष्ट होता है और वो अपनी एवं संगठन की आवश्यकताओं को महसूस करता है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप लोग एक बॉटल लेना, उस बॉटल में एक कंकड़ आप डाल के उसका ढक्कन लगा देना, उसको हिलाएंगे तो थोड़ी कम आवाज आएगी क्योंकि एक ही था। फिर दूसरी बार दो कंकड़ डालिएगा, फिर वापस उस बॉटल को हिलाइएगा, आवाज थोड़ी ज्यादा आएगी। फिर चार डालिएगा तो और ज्यादा आवाज आएगी, छह डालिएगा तो आवाज और बढ़ जाएगी, 10 डालेंगे तो और जोरों से आवाज आएगी, क्यों, लड़ाई झगड़े ज्यादा होंगे। तो जहां एक व्यक्ति काम कर रहा होगा ना, वहां समन्वय बहुत आसानी से कर सकते हैं। जहां दो होंगे समन्वय में समस्या होगी, जहां 100 या 10,000 हो गए वहां कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करना बहुत मुश्किल है आपके लिए। तो समन्वय का सबसे बड़ा महत्व उसके संगठन के आकार पर है, कि बड़े संगठनों में लोगों की संख्या बहुत अधिक होती है और ऐसे में ये आवश्यक नहीं है कि ये सारे लोग एक दूसरे की भावनाओं को समझें, एक दूसरे के साथ में सहयोग स्थापित करें। ऐसी स्थिति में समन्वय स्थापित करना एक बहुत ही जटिल कार्य हो जाता है।
क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी खुद की भी विशिष्ट आवश्यकताएं हैं। वो हमेशा संगठन के उद्देश्यों के बारे में नहीं सोच सकता। यानी यदि कोई व्यक्ति संगठन में 10 से 5 की ड्यूटी करता है और उस दिन अगर उसको एक दिन की लीव पर जाना है तो वो जाएगा, उसके घर पे कुछ काम है तो वो इस कार्य के लिए जाएगा, तब वो ये नहीं सोच सकता कि मेरे संगठन को इससे हानि हो सकती है। और यदि उसी दिन उसके साथ करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को जाना है तो वो अपने कार्य को भी नहीं रोकेगा। तो ऐसे में इन दोनों के बीच में मैं कोऑर्डिनेशन कैसे एस्टैब्लिश करूं, क्योंकि अगर मैं एक को छुट्टी देती हूँ और एक को नहीं देती हूँ तो दूसरे को क्या होगा, बुरा लगेगा, क्योंकि दोनों की अपनी पारिवारिक जिंदगी के अंदर उनको छुट्टी की आवश्यकता है। तो ये तो सिर्फ दो व्यक्ति थे। जब बड़ी संगठन की बात करते हैं तो वहां पर हजारों लोग व्यायाम कर रहे हैं, तो उस समय हर एक व्यक्ति की आवश्यकता को महसूस करते हुए उनके बीच में संगठन स्थापित करना, समन्वय स्थापित करना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है कि इन दोनों के बीच में किस प्रकार से समन्वय को स्थापित करें। तो संगठन का आकार जितना बड़ा होगा समन्वय का महत्व भी उतना ही ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। तो जिस प्रकार संगठन के आकार में समन्वय का महत्व है, ठीक उसी प्रकार कार्यों का विभेदीकरण, एक संगठन के कार्यों को बार बार विभागों, प्रविभागों और वर्गों में बांटा जाता है। समन्वय की समस्या इसलिए भी पैदा हो जाती है क्योंकि अधिकार क्षेत्रों के दृढ़ीकरण हो जाता है और उनके बीच में अवरोधक भी अधिक मजबूत होता है। देखो इसकी लाइन को अगर आप ढंग से पढ़ो, एक कार्य को विभागों में देखो, मैनेजर, कौन कौन से डिपार्टमेंट होंगे, सेल्स, प्रोडक्शन यानी उत्पादन, मार्केटिंग और चलो फाइनेंस, चार ही बनाते हैं। तो पहले तो इनमें बांटा, फिर सेल्स में भी अलग अलग एरिया के अकॉर्डिंग ए बी सी, प्रोडक्शन में गुड्स के अकॉर्डिंग एक्स और वाई, फिर मशीन्स का अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से ये और ये भी बढ़ जाएंगे। फिर इसके बीच में भी कौन कौन से वर्कर कार्य कर रहे हैं तो वो भी आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप देखेंगे ना तो कार्यों की बहुत लंबी चेन बनकर आती है। तो इन सब का आपस में कोऑर्डिनेशन करना कितना मुश्किल है, क्योंकि हर कोई अलग अलग कार्य को करना चाहता है। फिर जिसका प्रमोशन होगा तो दूसरे का यदि नहीं होगा तो उसको अवरोध की भावना और ज्यादा मजबूत होगी। जैसे सपोज दैट बी डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है उसको सेल्स मैनेजर बना दिया जाता है, तो ए और सी को क्या होगा, अवरोध होगा कि मैं भी तो काम करता हूँ, इक्वल पोजिशन हो तो बी को क्यों प्रमोशन मिला। और यदि अधिकार दिए जा रहे हैं तो ए बी और सी तीनों के क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। जब जब हम कार्यों को बांटते हैं उसी समय समन्वय की समस्या भी साथ में पैदा होने लगती है, कि जितना हम कार्यों को बांटेंगे उतने ही कर्मचारी होंगे और उतना ही उनके बीच में क्या करना पड़ेगा, आपको कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। कार्यों के विभेदीकरण के बाद में एक और समस्या आपके सामने आती है, वो है विशिष्टीकरण की। विशिष्टीकरण का मतलब आधुनिक संगठनों में उच्च स्तर का विशिष्टीकरण होता है। विशिष्टीकरण का जन्म आधुनिक तकनीकों की जटिलताओं, कार्यों एवं इन्हें करने वाले विविधताओं के कारण होता है। विशेषज्ञ सोचते हैं कि वे एक दूसरे को पेशे के आधार पर जांचने के योग्य हैं, लेकिन दूसरे लोगों के पास इस प्रकार के निर्णय का कोई पर्याप्त आधार नहीं होता है। कि एक संगठन में जो व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, अभी हमने पढ़ा उनके कार्यों में क्या होता है, विभेदीकरण होता है, सब अलग अलग कार्यों को कर रहे होते हैं, तो जब हर
व्यक्ति अलग अलग कार्यों को कर रहा है तो उसको जांचने की शक्ति जरूरी थोड़ी कि सभी व्यक्तियों में हो। कि एक पेशे का व्यक्ति अपने पेशे के कार्यों को जांच सकता है पर क्या वो दूसरे लोगों को जांचने के पर्याप्त अधिकार रख पाएगा? नहीं। कि अगर एक सीए है कंपनी का, वो क्या कर सकता है? अकाउंट्स को चेक कर सकता है। अकाउंट्स के जितने वर्कर्स हैं उनको वो चेक कर पाएगा। तो प्रोडक्शन में किसी उत्पादन की डिजाइन सही नहीं बनी, क्या वो ये चेक कर सकता है? वो ये चेक नहीं कर सकता। तो इस समय कार्यों के बीच में समन्वय एक अत्यधिक महत्वपूर्ण तत्व को जन्म देता है कि हमारे लिए समन्वय कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जब कार्यों का विशिष्टीकरण हो जाता है तो समन्वय उतना ही अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज की क्लास में मैंने आपको प्रबंध के अंदर समन्वय की उपयोगिता को समझाया कि समन्वय क्या है, समन्वय क्यों किया जाता है और क्या हम समन्वय को प्रबंध का सार कह सकते हैं। तो हाँ, समन्वय प्रबंध का सार है, क्योंकि बिना समन्वय के प्रबंध को कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होगी। प्रबंध के हर स्तर पर समन्वय की आवश्यकता होती है, चाहे वो नियोजन हो, संगठन हो, नियंत्रण हो या नियुक्तिकरण हो, हर जगह समन्वय की आवश्यकता हमारे लिए रहेगी। इसीलिए समन्वय हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण भी है। तो आज की क्लास से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखिएगा, ताकि मुझे ये याद रहे, ये पता चले कि आपको कौन से टॉपिक समझ में नहीं आए हैं और मैं उनको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। आपके लाइक से मुझे और मोटिवेशन मिलेगी ताकि मैं आपके लिए और अच्छे इसी तरीके के वीडियोस बना के रखूं। तब तक के लिए